नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवरीडे एजुकेशन चैनल पे। मेरा नाम प्रशांत कुमार है और आज हम 10th ऑफ अगस्त 2018 की वोकैबुलरी देखेंगे, द हिंदू पेपर से ली गई। आप द हिंदू का पेपर फ्री डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ड हमारे पास ट्राउंस। ट्राउंस होता है घोर पराजय, किसी को बहुत बुरी तरीके से हराना। डिफीट हैवीली इन अ कॉन्टेस्ट। सिनोनिम होगा थ्रैश, राउट या फिर लैश। एग्जाम्पल, JDU's Harivansh trounces Congress nominee Hari Prasad by 125-101 votes। ये आज के न्यूज़पेपर में से ही एग्जाम्पल लिया गया है। JDU के हरिवंश ने कांग्रेस के उम्मीदवार हरि प्रसाद को 125 से 101 वोट से हराया। रिक्यूपरेट। रिक्यूपरेट होता है स्वस्थ होना या फिर पुनः प्राप्त करना। रिकवर फ्रॉम इलनेस और एक्सर्शन, किसी बीमारी या फिर किसी तनाव से। एक्सर्शन मतलब होता है तनाव, किसी बीमारी या फिर किसी तनाव से रिकवर होना। सिनोनिम होगा कॉन्वलेस, रिवाइव और एमिलियोरेट। एंटोनिम होगा इसका वॉर्सन या फिर रिलैप्स, खराब हो जाना। एग्जाम्पल, द डॉक्टर टोल्ड द टेनिस प्लेयर शी नीडेड टू रिक्यूपरेट फॉर 9 months बिफोर गेटिंग इनटू कंपटीशन। डॉक्टर ने टेनिस खिलाड़ी को प्रतियोगिता में वापस आने से पहले 9 महीने तक पुनर्जीवित करने की आवश्यकता थी। रेलिगेटेड। रेलिगेटेड होता है बाहर निकाल देना या फिर पदावनित कर देना, किसी का पद से नीचे कर देना किसी को। टू पुट इन अ लोअर और लेस इंपॉर्टेंट पोजिशन या फिर थ्रो आउट, बाहर निकाल देना। सिनोनिम होगा डिमोशन और रेप्यूडिएट। एंटोनिम होगा इसका एडवांस या फिर एलिवेट, किसी को ऊपर या फिर आगे बढ़ाना। एग्जाम्पल, इफ यू डोंट वॉन्ट योर बॉस टू रेलिगेट यू टू द स्टेटस ऑफ अनएम्प्लॉयड, यू हैड बेटर वॉच वॉट यू से ऑन सोशल मीडिया। यदि आप नहीं चाहते हैं कि आपके बॉस आपको बेरोजगार की स्थिति पे लाएं, तो आप सोशल मीडिया पर जो कहते हैं उस पर ध्यान दें। ऑब्फस्केशन। ऑब्फस्केशन होता है अस्पष्ट करना। टू डेलिबरेटली मेक समथिंग कन्फ्यूजिंग और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जानबूझ के किसी चीज़ को कन्फ्यूज करना, अस्पष्ट करना। सिनोनिम होगा बिम्यूजमेंट या फिर बैफलमेंट। एंटोनिम होगा क्लैरिफिकेशन और इलिसिडेशन। एग्जाम्पल, द लास्ट थिंग आई डोंट वॉन्ट टू डू इज ऑब्फस्केट द कॉन्सेप्ट बाय ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट टू रैपिडली। आखिरी चीज जो मैं नहीं करना चाहता हूँ कि अवधारणा को अस्पष्ट करूँ बहुत तेजी से समझाकर। प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट होता है जनमत संग्रह। द डायरेक्ट वोट ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरेट ऑन एन इम्पॉर्टेंट पब्लिक क्वेश्चन सच एज चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। किसी भी बहुत ज़रूरी विषय के ऊपर डायरेक्ट वोटिंग करवाना, जैसे कि किसी संविधान में कोई बदलाव करने के लिए। सिनोनिम होगा पोल या फिर रेफरेंडम। एग्जाम्पल, डू यू थिंक वोटर्स विल कम आउट फॉर द प्रेजिडेंशियल प्लेबिसाइट दिस ईयर। क्या आपको लगता है कि इस साल राष्ट्रपति पद के लिए मतदाता आएंगे? वेस्टिज। वेस्टिज होता है शेष या फिर अवशेष। ट्रेस और रेमिनेंट ऑफ समथिंग दैट इज डिसअपियरिंग और नो लॉन्गर एग्जिस्ट। कोई ऐसी चीज जो गायब, धीरे धीरे गायब हो रही हो या फिर वो एग्जिस्ट ही ना करती हो, उसके शेष मिलना। सिनोनिम होगा रेलिक और रेसिड्यू। एग्जाम्पल, हाउ एम आई सपोज टू एंजॉय माई ब्रेकफास्ट विद नथिंग बट दैट वेस्टिज ऑफ मिल्क यू लेफ्ट इन द कार्टून। मैं कार्टून में दूध के बचे अवशेष से कैसे अपने नाश्ते का आनंद लूँ? एनोमली। एनोमली होता है विसंगति, समथिंग दैट डेविएट्स फ्रॉम वॉट इज स्टैंडर्ड, नॉर्मल और एक्सपेक्टेड। सिनोनिम होगा अबरेशन या फिर एसेंट्रिसिटी। एंटोनिम होगा इसका पीस या फिर कंपोजर। एग्जाम्पल, देर आर नंबर ऑफ एनोमलीज इन द प्रेजेंट सिस्टम, वर्तमान प्रणाली में कई विसंगतियाँ हैं। बिलीगर्ड। बिलीगर्ड होता है परेशान करना। टू कॉज कॉन्स्टेंट और रिपीटेड ट्रबल फॉर, किसी के लिए लगातार परेशानी खड़ी करना। सिनोनिम होगा बीसीज या फिर एम्बैटल्ड। एग्जाम्पल, इफ यू डू नॉट स्प्रे आर हाउस विद इंसेक्ट रिपेलेंट, मॉस्किटोज विल बिलीगर एज अस ऑल समर। अगर हम अपने घर को कीट प्रतिरोधी स्प्रे नहीं करते हैं तो मच्छर हमें सभी गर्मियों में परेशान कर देंगे। लीवे। लीवे होता है छूट, डिग्री और अमाउंट ऑफ फ्रीडम और फ्लेक्सीबिलिटी, किसी एक लिमिट तक आज़ादी मिलना। सिनोनिम होगा अलाउंस या फिर टॉलरेंस। एंटोनिम होगा इसका इनफ्लेक्सिबलनेस। एग्जाम्पल, माय बॉस हैज ग्रांटेड मी लीवे टू मेक माय ओन डिसीजंस, मेरे मालिक ने मुझे अपना निर्णय के लिए छूट दी है। इन्फ्यूरिएटिंग। इन्फ्यूरिएटिंग होता है क्रोध करने वाला, मेकिंग वन एक्सट्रीमली एंग्री एंड इम्पेशेंट। सिनोनिम होगा एग्रीवेटिंग या फिर वेक्सिंग। एग्जाम्पल, शी वॉज इन्फ्यूरिएटेड वेन शी फाउंड आउट हर हस्बैंड हैड बीन लाइंग फॉर द पास्ट 3 weeks। जब उसे पता चला कि उसके पति पिछले 3 हफ्तों से झूठ बोल रहे थे, तो वह क्रोधित हो गई। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।
आपको कोई डाउट या क्वेरी है या सजेशन देना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं इस मेल आईडी पे। आप टेलीग्राम ग्रुप से द हिंदू का पेपर फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। इस आइकन से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाएं। यहाँ से आप हमारी लास्ट वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।